सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट हमारा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब अभी अगर आप बात करें फिजिक्स साइंस के फ्यूचर की या पास्ट की, तो उसमें लाइट जो है उसने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। जैसे इनविजिबल होने का कॉन्सेप्ट जो है, या फिर टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें लाइट को पढ़े बिना सब कुछ नामुमकिन है। तो अभी हमारा जो साइंस या फिजिक्स का फ्यूचर कहिए, वो जो डिपेंड कर रहा है वो इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, लाइट पे भी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें क्लास 10 में, तो बहुत आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट से। हाँ, एक और बात, ये जो मतलब लाइट है क्लास 10 का, ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है। मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच जो इस चैप्टर को कंटेन करता है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारे ऐसे ही है, लेकिन 10th में तो हमको डिवाइड करके नहीं दिया गया है ऑप्टिक्स वगैरह, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए, क्योंकि 12th वगैरह में फिर से आप लोग यही सब चीज पढ़िएगा, थोड़ा वॉस्ट हो जाएगा उसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट। तो सबसे पहले लाइट है क्या, लाइट क्या है हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब वैसे वेव जो विजिबल हो, है ना। तो सिंपल लिख सकते हैं इसको क्या, विजिबल रेडिएशन, है ना। ऐसे रेडिएशंस जो कि हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, मतलब ह्यूमन आई से हम लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं जिस रेस को, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइट कह देते हैं, ठीक है। सिंपल लिखा हमने विजिबल रेडिएशन। इसमें कौन कौन से, जैसे स्पेक्ट्रम देखें अगर विबग्योर, जिससे रेनबो में आपने देखा होगा 7 कलर होता है, वो सारे क्या है, विजिबल कलर्स है जो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही सारे हैं ना। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। अब लाइट में हम लोग थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो कुछ नहीं है, अभी तुरंत ही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा हम लोगों को, फिर भी स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बताइए सर रिफ्लेक्शन होता क्या है। सिंपल पहले डायग्राम से ही हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लीजिए एक मिरर है, मैंने ये लिया, एक मिरर बनाया, इसको एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया हम लोगों ने, उसका नाम कुछ भी दे देते हैं, MN नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, MN नाम दिया एक प्लेन मिरर का। अब अगर इस पे अगर हम कोई रे ऑफ लाइट, कोई लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं इस पे, है ना, ये कौन सा रे हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है इससे, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये बाउंस बैक करेगा, है ना, ये बाउंस बैक करेगा, सिंपल है। अब ये जो बाउंस बैक करेगा इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये नॉर्मल है हमारा, यहां पे एन है, तो इसको हम एन डैश ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे दो एंगल्स बनेंगे हमारे, कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, इधर वाला बन जाएगा जो इंसिडेंट रे के साथ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, एंगल आई, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है रिफ्लेक्शन। अब कहते किसको है, देखिए इसी से हम लोग समझ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। द बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक कर रहा है लाइट हमारा, यहां से आया, टकराया और बाउंस बैक कर गया, है ना। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट टू अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, है ना। ऐसा वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को, मतलब ये जो लाइट आ रहा है इस पे टकरा रहा है प्लेन मिरर पे और ये बाउंस बैक जो कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो इसके कुछ लॉज हैं हमारे, कुछ क्या, दो लॉज हैं, कौन कौन से देख लेते हैं, लॉज हमारे क्या क्या है। फर्स्ट लॉ है हमारा कि
इसको वन लिखते हैं, सही रहेगा क्योंकि आई हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है ना। हाँ, वन। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है सर कि एंगल ऑफ लाइट, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सर वो हमेशा और हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। हमेशा और हमेशा का मतलब एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए ये तो प्लेन मिरर है, अगर हमारा सरफेस ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर हमारा सरफेस कुछ ऐसा होता मतलब पॉलिश्ड होता लेकिन क्या होता, कर्व्ड होता है ना, ये कह सकते हैं zigzag सरफेस होता, तो भी अगर हमारा लाइट यहां गिरता और हम लोग इस पे अगर ये ऐसे है ना, तो इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते ऐसे करके, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये मान लीजिए कुछ 10-12 डिग्री होगा तो ये भी उतना ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा सेम होगा। ठीक है, सरफेस से हमको मतलब नहीं है, बस पॉलिश्ड होना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए लाइट। अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लीजिए लाइट यहां गिरता, ऐसे करके हम लोग लाइट को गिरा रहे थे यहां पे, ठीक है, तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनता फिर से, तो फिर से जो ये लाइट जाता ये दोनों क्या होते, इक्वल्स होते, इक्वल होते। ठीक है, इतना सा है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ तो बहुत ही ज्यादा आसान है सर। सेकेंड लॉ कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो ये हमारा एंड डैश है नॉर्मल है, ये तीनों क्या रहेंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब मैथ्स में तो आप लोगों ने समझा ही होगा, कोप्लेनर का मतलब होता है सर जो एक ही प्लेन में लाई करता हो। हाँ सर, देखने से ही पता लग रहा है सर कि तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब ये भी इसी प्लेन में, ये भी और ये भी इसी प्लेन में। एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। मान लीजिए देखिए, ये एक पूरा एक प्लेन है, इसमें ये हमारा रे है, ये भी रे है और ये भी रे है। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि सर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ही सेम करना है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही ना सेम करना है, तो मान लीजिए ये इधर यहां से आ रहा है हमारा लाइट और ये बाउंस बैक ऐसे हो रहा है, मतलब आपकी तरफ बाउंस बैक हो रहा है, तो भी तो एंगल सेम हो सकता है ना सर, है ना। लेकिन हमको क्या बोल दिया, साथ में सेकेंड लॉ भी होना चाहिए, मतलब इन तीनों को एक ही प्लेन में लाए करना चाहिए। अगर ये ऐसे आ जा रहा है, ये जो रे है जो इधर जा रहा है वो ऐसे के इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, दूसरे प्लेन में आ जाएगा, है ना, प्लेन चेंज हो जाएगा हमारा, सेम प्लेन में तीनों नहीं रहेगा। लेकिन हमको रखना क्या है सर, हमेशा सेम प्लेन में ही रखना क्या है, इमेजिन करना है। ठीक है, तो चलिए अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया है, डेफिनेशन अपार्ट उसके बाद में कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पहले ले लेते हैं एक मीडियम, मान लीजिए ये मीडियम था हमारा एयर, ऊपर वाला जो मीडियम था सर वो हमारा एयर था, ठीक है ना, ये एयर था और ये नीचे वाला क्या था, ग्लास। हमारा ये लाइट जो था कुछ ऐसे आ रहा था सर, इंसिडेंट रे जो था वो ऐसे गिर रहा था एयर से आ रहा था, मतलब अच्छे से वो चल रहा था एकदम मस्ती से झूम झूम के, लेकिन बीच में उसको क्या मिल गया, उस लाइट को ग्लास मिल गया। अब ग्लास मिल गया तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी कम होगा, सब चीज चेंज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम टू अनदर तो क्या होता है, वो कुछ बेंड भी करता है ना, तो उसी बेंडिंग को, ये जो लाइट आ रहा था सीधा, ये कुछ बेंड करके ऐसा जो हो गया, इसी बेंडिंग को ये नॉर्मल हमारा खींचेंगे, है ना, यहां से ये सीधा होता है नॉर्मल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये एन हो गया हमारा नॉर्मल, तो इसी बेंडिंग को, ये जो बेंड हुआ ना लाइट सीधा आ रहा था, ये अगर कुछ होता तो ऐसे ऐसे जाता, मतलब एकदम सीधा जाता स्ट्रेट, क्योंकि लाइट तो कभी बेंड होता नहीं है, मतलब मुड़ता तो नहीं है, है ना, वो तो हमेशा स्ट्रेट जाएगा सर। लेकिन अब उसका मीडियम ही चेंज हो गया, हम लोगों ने एयर में आ रहा था, मतलब हमने मान लीजिए रे लेजर लाइट मारा, जलाया हमने यहां से, ठीक है, एयर में ट्रेवल कर रहा था, अचानक से हमने यहाँ पे ग्लास रखा हुआ था, उसको नहीं पता था, वो आया बेचारा, अब तो ग्लास में जाएगा तो थोड़ा सा तो बेंड होना पड़ेगा उसको सर, है ना, तो ये जो बेंड हुआ ना, यही बेंड होने को हम लोग क्या कहते हैं,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं सर। देखिए द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वही कहा ना सर मैंने भी कि ये एक मीडियम था एयर, उससे लाइट आया, अब ग्लास में गया, वो बेंड हो गया थोड़ा सा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस आराम से समझना है। अब जो ये हमारा आई बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ये दोनों सेम होगा क्या सर? होता सेम, कब होता? जब ये रे ऑफ लाइट सेम जाता तो ये पूरा हो जाता, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता, तो ये आई तो ये भी आई हो जाता, है ना, इक्वल हो जाता दोनों। लेकिन क्या हुआ सर, अब रे ऑफ लाइट हमारा यहां पे क्या हो चुका है सर, बेंड हो चुका है थोड़ा सा, है ना, बेंड हो गया। अब बेंड हो गया तो देखिए आर क्या हो गया सर, हमारा छोटा हो गया, आई बड़ा हो गया, है ना। तो एंगल ऑफ, यहां पे हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, उस लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ। तो सर है क्या, नाम तो आपने बता दिया लेकिन है क्या इसके अंदर, वो भी तो देखना है ना। हाँ तो देखते हैं, अब जब ये हम मतलब ये हुआ तो साइंटिस्ट ने रखा वैल्यूज, आई का वैल्यू, जब आई और आर का उन्होंने वैल्यू रखना शुरू किया ताकि उनको क्या मिल जाए, रिलेशन मिल जाए दोनों में, कि आई और आर में भैया रिलेशन क्या होगा। पिछले में रिफ्लेक्शन में तो सिंपल हम लोग देख लिए कि दोनों इक्वल हो रहा था, है ना, क्योंकि लाइट का बेंड होने का कहीं चक्कर ही नहीं था, लेकिन इसमें तो लाइट ही बेंड कर गया सर। तो क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को निकालने के लिए पहले आई का वैल्यू कुछ आई वन रखा गया, ठीक है, तो उसके लिए आर का वैल्यू क्या आया, आर वन आया, ठीक है, फिर आई का वैल्यू आई टू रखा गया, उसके लिए आर टू आया, और फिर आर आई का वैल्यू क्या रखा गया, आई थ्री रखा गया, फिर उसके लिए भी सेम आर थ्री वैल्यू आया, ठीक है। वैल्यूज क्या हो रहे हैं, जितना रख रहे हैं उतने ही वैरी भी कर रहे हैं, है ना, तो उनको पता लगा कुछ तो रिलेशन होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें एयर टू ग्लास, ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो अगर एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए हमेशा और हमेशा आई अपॉन आर, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा हमेशा क्या आ रहा था, 1.5 ही आ रहा था, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑफ, ये बताएंगे अभी थोड़ा सा, ये देख लेते हैं पहले, इसको समझ लेते हैं हल्का सा, कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए आई का वैल्यू आई था और आर का वैल्यू आर था तो 1.5 आया था, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है गलती से आ गया हो 1.5, है ना, तो साइन आई वन किया तो, और इसको भी साइन आर वन किया गया, फिर भी इसका वैल्यू क्या आ रहा था सर, 1.5 ही आ रहा था। साइंटिस्ट ने सोचा हो सकता है इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस, है ना, फिर उन्होंने क्या किया, आई और आर का वैल्यू फिर से वैरी किया, आई टू कर दिया और आर का वैल्यू आर टू कर दिया, ठीक है, और फिर से उन्होंने क्या देखा, इसका जो वैल्यू आ रहा था वो 1.5 भी आ रहा था हर बार, और फिर से उन्होंने क्या किया, इसको कोइंसिडेंस मानते हुए साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री रख के देखा, उसके बाद भी 1.5 ही आया, तो तब पता लगा हम लोगों को कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि अगर उसके लिए फिर एक टर्म सिंबलाइज करने के लिए एक टर्म रखा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर को भैया हम लोग लिख देंगे एन एन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। इसी को क्या कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या मीडियम टू, पहले टू है ना, हाँ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है।
इसी को कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। मतलब अगर इसमें देखे कि साइन आई अपॉन साइन आर जो 1.5 आ रहा है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है हमको, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है हमको किसका, ग्लास का आ रहा है सर। क्यों? क्योंकि मीडियम टू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है हमारा, और मीडियम टू क्या है यहाँ पे, ग्लास है अपना, है ना। तो यहां पे जो ये साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारा आया, ये क्या आया, एन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, एन ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही लिखा ना मैंने यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यही था है ना इसका। अब देखिए हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आया, 1.5 आया, तो हमको याद रखना है ये। वैसे याद नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 10 की बात करें या आगे भी बात करें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर एयर टू ग्लास होता है, तो 1.5 आप लोग याद रख सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब अगर कोई और मीडियम की बात करें, मान लीजिए हाँ यहां एयर ही रहने देते हैं, नीचे हम लोग कर देते हैं वाटर, ठीक है वाटर कर देते हैं ग्लास की जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो फिर से चेंज होगा ना सर, है ना। लेकिन यहां पे भी क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारा होगा वो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। कभी भी चाहे आप मीडियम बदल दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ये अभी हम किसका एन निकाल रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर आप इसका वैल्यू देखिएगा तो 1.33 आएगा, ठीक है। अब आप बोलिए, बोल रहे हैं सर कि ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, और फिजिकल क्वांटिटी का कोई एसआई यूनिट भी होता है। हाँ सर होता है एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट भी होगा, लेकिन इसको हम लोग यूनिट नहीं दिए हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, आपको देखने से ही पता लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है ना, साइन आई अपॉन साइन आर दोनों सेम भी और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी भी है, तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि सर हाँ इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, आपकी बात मान ली, ठीक है। अब अगर आप बात करें किसकी, अब अगर हम लोग फिर से इसको हटाएं, एयर की जगह मतलब एयर रहने दें, वाटर की जगह डायमंड रख दें, क्या रख दें सर, डायमंड। मतलब हम लोग एयर में अपने रे ऑफ लाइट को चला रहे थे, अचानक से उसके आगे में हमने हीरा रख दिया बड़ा सा, इतना बड़ा, ठीक है। अब हीरे में जब जाएगा लाइट तो क्या होगा, ये भी देखिए डायग्राम में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा और बेंड कर जाएगा, ये जो लाइट होगा थोड़ा और ज्यादा बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, फिर भी हमारा साइन आई अपॉन साइन आर उस केस में भी हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। मैं ये केसेस दिखा रहा हूं आपको, हमने 2-3 केस कर लिए, कौन कौन से, ग्लास टू एयर टू ग्लास सॉरी, और दूसरा फिर एयर टू वाटर, अब तीसरा कर रहे हैं हम लोग क्या, एयर टू डायमंड है ना, एयर टू डायमंड मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये अगर आप देखिएगा तो इसका हमेशा और हमेशा 2.42 रहता है, ठीक है। आपको ये सब चीज, ये सारी चीजें आप याद भी रख सकते हैं, जैसे अभी मुझे याद हो गई आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, वैसे ही आपको भी बनाते बनाते याद हो जाएगी। अभी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इस पे करेंगे, तो इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इतना सा हमको समझ में आ गया था, इतना सा क्या समझ में आ गया इसमें कि हमारा ये इंसिडेंट रे था जो कि एक मीडियम से मतलब एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रहा था, वो हमारा जो रे ऑफ लाइट था वो एयर में ट्रेवल कर रहा था, उसके आगे में हमने अचानक से ग्लास ला दिया तो क्या वो बेंड किया, जो रे ऑफ लाइट था देखिए ये कुछ इस तरह से जा रहा था, अब ये बेंड किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। अब ये जो रे होगी वो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो ये इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने समझ लिया, फर्स्ट लॉ था भैया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा सर, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। इतना सा हमको समझ में आ गया था, और ये 1.5 हमारा एयर टू ग्लास का है, ठीक है। अभी हमने डायमंड तक भी देख लिया है। अब एक और जो सेकेंड लॉ है इसका, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या कहता है,
वो कहता है ना सर, जो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ था और इसका जो सेकंड लॉ है सेम ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि इंसिडेंट रे और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या करेगा सेम प्लेन में लाई करेगा, मतलब कोप्लैनर होगा। ठीक है, कोप्लैनर अभी हमने देख ही लिया था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जानते हैं। अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्टेड इंडेक्स भी देखा, लेकिन अभी थोड़ा सा और उसके बारे में जानते हैं। पहले कुछ चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको मतलब लाइट को पास किया गया ग्लास स्लैब से। किससे पास किया गया भैया? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आप लोग जानते होंगे, एक मतलब जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, हाँ वैसा ही होता है ग्लास स्लैब, बस वो ग्लास का बना होता है और वो पूरा भरा होता है ग्लास से, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा वो ऐसे करके, है ना? हाँ ऐसा ही होगा, ये यहां से होगा ना ऐसे। हाँ ऐसा दिखेगा ये ग्लास स्लैब हमारा, है ना, माचिस के डिब्बे जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो एंटर जब करवाया गया लाइट को किसमें? ग्लास स्लैब से। मतलब मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है हमारा, इसका हमने नाम दे दिया, एक साइड है ग्लास स्लैब का ए बी सी और डी, इसके साइड्स के नाम दे दिए। हमारा जब लाइट था इसमें एंटर हुआ, मतलब ऑफकोर्स एयर में था वो पहले, है ना, अब एयर से क्या जा रहा है ग्लास में जा रहा है ना, तो ग्लास में जा रहा है तो क्या होगा वो मतलब क्या करेगा, बेंड करेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। ये हमारा नॉर्मल है, इसको हम एन नाम, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। अब ये क्या करेगा, बेंड करेगा थोड़ा सा, मतलब अगर ये लाइट बेंड नहीं करता तो ये क्या करता, ऐसे जाता सीधा, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये बेंड कर रहा है थोड़ा सा, अब बेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए एयर टू ग्लास जा रहा था, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा था। रेयरर मतलब जहां के पार्टिकल्स क्या हो, आपस में इनक्लोज्ड ना हो, है ना, एयर पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन ग्लास के पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा आपस में इनक्लोज्ड है ना, सॉलिड है वो। अब फिर से क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, फिर से डेंसर से, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम था, अब डेंसर से फिर से एयर में जा रहा है ना। अब लाइट ऐसा थोड़ी है ग्लास लैंप में अपना घर बना के रहने लगेगी, नहीं, वो फिर से बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो वो फिर से क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। मतलब ये हमारा नॉर्मल था कुछ ऐसे, इसका एन डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मान लो हम ग्लास लैंप में लाइट को डाल रहे हैं तो क्या हो रहा, क्या चीज पता लग रहा है हमको, इससे क्या निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिए अभी आपको पता लगेगा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और इसको नाम दिया गया इमरजेंट रे। ये है हमारा इमरजेंट रे, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब जो है हमको क्या पता लगा, जब एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा था ना सर, और बाहर जब वो वापस से एयर में आया तो हमको पता लगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया। मतलब एंगल ये क्या है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इमरजेंट रे हो गया, इज पैरेलल टू इमरजेंट रे हो गया, समझे? ये दो चीज हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि जब वो एयर में ट्रेवल कर रहा था और वो अचानक से ग्लास लैब में घुस गया और ग्लास लैब से जब बाहर आया तो इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे हो गया, है ना, और इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया, है ना। लेकिन एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको पता लगी, क्या पता लगी सर, कि देखिए ये एयर है हमारा, ठीक है, एयर था, एयर से लाइट ट्रेवल कर रहा था, ये हमारा नॉर्मल था, और ये लाइट क्या हुई, बेंड हुई, है ना, ये जाता तो ऐसे जाता लेकिन ये बेंड हुआ, तो क्या हुआ, ये किस साइड बेंड हो रहा है, ये इधर से इधर, मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। इससे हमको क्या पता लगा सर, कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या हो रहा है सर, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है। मतलब लिखते हैं इसको कहीं पे, डेंसर मीडियम टू ना सॉरी रेयरर मीडियम है ना, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से हमको ये पता लगा, और इसको याद भी रखना है आपको, कि जब
रेयर मीडियम मतलब एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल की तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड किधर हुआ? देखिए ये ऐसे जा रहा था, अब बेंड हुआ इधर, नॉर्मल यहां था, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ ना वो लाइट। हाँ, लेकिन अब वापस जब देखे कि ग्लास से एयर में गया, ये हमारा ग्लास था, ये बेंड हुआ है ना, लाइट कुछ ऐसे बेंड हुआ मान लीजिए, ये हमारा नॉर्मल था। उसके बाद ये लाइट जो बेंड हुआ, ये क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लाइट ऐसे जाती है ना, लेकिन क्या हो गया? बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इससे हमको क्या पता लगा? जब वो डेंसर से रेयरर में, कौन लाइट, जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या कहां बेंड कर रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसको याद रखना है। याद कैसे रखना है? उसके लिए ट्रिक है, क्या है? डर, DAR, डर हमारा एक थ्री लेटर वर्ड है, ठीक है, जो कि डर सबको लगता है, है ना। तो हमको यहां लगाना है डर कैसे, जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो ये A लिखा है बीच में, A मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां लिखा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और दूसरा वाला तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा सर, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गई ये तो हमारे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं इससे, देखते हैं कैसे। फिर से हम लोग वही वाला एग्जांपल लेते हैं अपना, पहले एयर टू ग्लास वाला, है ना, जो कांस्टेंट हमारा चलते आ रहा है। ये हमारा लाइट था, ये कुछ ऐसे बेंड हुआ, ये हमारा नॉर्मल, ये बेंड कुछ ज्यादा ही हो गया, लाइट ऐसे बेंड नहीं होता, ये हमारा बेंड हुआ लाइट, है ना। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये बन गया हमारा सिंपल। इसमें क्या हो रहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोले कि ग्लास का बताओ विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या कर रहे थे सर? सिंपल साइन आई अपॉन साइन आर रख के निकाल दे रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। लेकिन अब सर अगर उल्टा हो जाए, ऐसा ही दिया हो, अब हमको बोले क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल ही हो जाएगा हमारे लिए कि सर यहां तो आपने एक ही फॉर्मूला बता दिया कि सर ऐसे करेंगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकल जाएगा। लेकिन अब हमको पूछ दिया एयर का निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमको बताना है। तो ये कैसे निकलेगा? या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसके अलावा किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? मान लीजिए एंगल्स नहीं दिए, कुछ और गिवन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो सब चीज भी देख लेंगे, देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हमको स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन एयर, मतलब सी ए दिया है हमको, कुछ दिया है वैल्यू, और यहां पे दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, दोनों हमको दिया हुआ है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखे, क्या ये जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी ए अपॉन सी जी, ऑफ कोर्स, है ना, मतलब दोनों स्पीड ऑफ लाइट का फ्रैक्शन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इतना समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये याद रखने वाला चीज है, कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट अगर दोनों मीडियम का दिया हो तो भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं, बस दोनों को डिवाइड करके। लेकिन अब ये बोला हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाले, तो हमको तो रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना दोनों में, दोनों मीडियम में बहुत ज्यादा, तब ना होगा। हाँ, अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आई का वैल्यू हमारा कुछ 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे आर का वैल्यू हमारा कुछ 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा? साइन आई अब साइन 45 है ना, ये आर साइन 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही ना है। हाँ, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, मुझे इससे कुछ बताना है आपको। क्या बताना है? देखिए अब इसको उल्टा बनाते हैं। जैसे अभी ग्लास लैब में हमने देखा, ऊपर ग्लास था हमारा, ये हमारा ग्लास था, लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा था, ये क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। अब जो होगा, अब देखिए अगर हम लोग यहां 45 था, इस नीचे वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग 45 रखते हैं, और इसको अगर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं, तो क्या होता है हमारा सर?
अब अगर बोले कि यहां पे हमारा क्या एंगल ऑफ नहीं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन आई हमारा क्या है 30 डिग्री, साइन आर हमारा क्या है साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्या दिख रहा है यहां पे हमको इससे, ये देखिए यहां पे 45 ऊपर, यहां 45 नीचे, यहां 30 नीचे, यहां 30 ऊपर। तो हमको क्या पता लग रहा है इन दोनों रिलेशन से कि ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। इसको अगर हम उल्टा करके लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है ना सर। हाँ, तो इससे हमको पता लगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये आपको समझ में आ गया तो अभी तक की मेहनत मेरी सफल हो जाएगी, अगर आपको इतना सा समझ में आ गया तो, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है ना, नहीं है क्या? हम ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए हम इसको x मान लेते, यहां पे x का वैल्यू पुट करते, रेसिप्रोकल आता हमारा, यही आंसर आता। लेकिन हमको समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे देखिए कुछ कुछ वैल्यूज आई वो देख लेते हैं हम लोग की। अगर मान लीजिए ये मीडियम वन था और ये मीडियम टू था, ये स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम, ये स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में थी। तो फॉर्मूलाज तो वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, लेकिन इससे देखिए क्या फॉर्मूला आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यही ना है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर टू वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ वन टू। ये हमारा फॉर्मूला बन गया भैया, बहुत ही ज्यादा आसान सर, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हम लोगों को। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब वन बाय एन ना, हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, है ना। इतना सा हमको समझ में आ गया। अब ये C1 और C2 जो है ये वही है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट को, दोनों मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिवाइड कर देंगे अपॉन रख के तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। समझ में आ गया इतना सा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसी में थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं कि लाइट हमारा ट्रेवल कर रहा था एयर में सर, उसके बाद ग्लास में गया, उसके बाद मेरा मन किया हमने ग्लास को पानी में रख दिया, मतलब ग्लास के बाद वाटर रख दिया। अब जो लाइट आएगा ना सर वो वाटर में आएगा, कहां आएगा सर, वाटर में, ठीक है। अब क्या है, रेयरर से फिर से डेंसर से फिर से रेयरर में जा रहा है। हाँ, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंसर होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, है ना। तो फिर से ये क्या करेगा सर, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है। ये आता लाइट ऐसे ऐसे मूव किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया, है ना। तो आप इसको कोई भी एंगल दीजिए, लेकिन हमको एंगल से भी मतलब नहीं है, हमको क्या मिल रहा है सर यहां पे, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम। अब अगर हमसे पूछे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बताइए, तब क्या कीजिएगा, तब तो सर आप बोलिएगा सर ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। उसके लिए ही मुझे यहां पे आपको एक चीज बताना पड़ेगा। अगर हमको पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, साथ साथ में लिख रहे ताकि समझ में आए, ठीक है। ये बस आपको एक ट्रिक है इसको याद रखने की, कि याद रखिएगा ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होता है, कुछ नहीं होता है, बस दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होता है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से होंगे, वही तो दिक्कत है भैया, हमको यहां पे चार डैश बनाने हैं, ठीक है। चार डैश हम लोगों ने बना लिए, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो भराएगा ना दोनों में। हाँ, जो यहां पे फर्स्ट नंबर पे जो है इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो लास्ट नंबर पे है उसको क्या करेंगे सर, लास्ट में लिख देंगे। अब यहां पे जिसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिस मीडियम की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि वन और थ्री होगा, सेकेंड मीडियम भी तो है ना। हाँ, तो जो सेकेंड मीडियम है ना उसको हम लोग बीच में लिख देंगे, ठीक है। इतना सा आ गया, ठीक है ना। अब इसका उल्टा देखते हैं, मान लीजिए हमको बोलता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, ये अगर हमको बोलता तब तो हम क्या करते, एक दो इंटू एक दो ये कर देते सिंपल।
अब जो फर्स्ट पे था यहाँ पे वन है तो हम वन को पहले लिख देंगे, जो थ्री था लास्ट में है तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे। अब बीच में क्या होगा, बीच वाला मीडियम, सेकंड मीडियम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, याद रखने का तो जरूरत ही नहीं है सर, आपने ट्रिक बता दिया। हाँ, जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट में, जो लास्ट में है वो लास्ट में, बीच वाला मीडियम बीच में, सेकंड मीडियम बीच वाला ही ना, हाँ उसको बीच में रख देंगे। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या न्यूमेरिकल लिखा है उसका, देखिए क्या कह रहे हैं वो न्यूमेरिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2/3/2, मतलब इसको फ्रैक्शन में दिया है, इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं होगा कुछ। डेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, फिर से फ्रैक्शन में दिया है, इसको भी कर सकते हैं, है ना। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, ठीक है, दो है, ग्लास विद वाटर और वाटर विद ग्लास हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें सर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही पूछा है ना, इतना सा हमको लिख लेना है पहले। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है सर, कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है ये, कौन कौन सा, जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट में, चार डैश पहले बना लेते हैं सर, जैसा आपने बोला था वैसे ही इसको फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना था सर, हाँ बोलिए क्या करना था, बोलते रह कीजिए साथ में। देखिए जो डब्ल्यू है ये लास्ट में चला जाएगा, क्यों सर, आपने ही बोला था ना जो लास्ट में उसको लास्ट में। अब बीच में क्या बचा सर, एयर, एयर भी तो मीडियम है, उसको क्यों बेदखल कर रहे हैं हम लोग, एयर को हम लोग पुट कर दिए, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। अब अगर हम इस पे बिठा दे तो हमारा तो आंसर आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। यहां जी ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमको 3/2 दिया हुआ है ऑलरेडी। अब एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन यहां वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, मतलब हमको दिया है सर कि एन ऑफ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3। अब बताइए सर इसको इसमें चेंज कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा यहां पे, ये फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। हमको क्या करना है, इसको इसमें करना है, मतलब ये देखिए ए आगे है डब्ल्यू पीछे, यहां डब्ल्यू आगे है ए पीछे है, इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ये 1/1 इज इक्वल टू एन डब्ल्यू एन ए डब्ल्यू, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल, क्यों, क्योंकि सर आपने ये फॉर्मूला पहले हमको दिया हुआ है, मतलब बात को नहीं बदलना है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे, 3/4 नीचे आ जाएगा सर, बहुत आसान हो गया सर, बहुत आसान, सही बात, 4/2 = 8, 3/3 = 9, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ गया हमारा वन नंबर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या है, ये तो सर फिर से वही बात हो गई है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कितना आसान है सर ये, नहीं है, हाँ बहुत आसान है सर, क्या कि ये जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये जो है 1/NgW होगा, यही है ना सर, हाँ यही है, आप ही तो बताते आ रहे हैं, रेसिप्रोकल बस करना है, तो 9/8 क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर, एंड डब्ल्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9, ठीक है। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इंडिकेट क्या करता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो को। देखिए अभी हम लोगों ने फिर से तीन मीडियम बनाया है और इससे हम लोग समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को क्या क्या बताता है वो हम लोग अभी जानेंगे। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है ना, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या क्या है, 1.3, 1.5 और 2.42। यहां मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, क्यों लिखा है वो भी अभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि देखिए अच्छा वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्यों हुआ इतना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए पार्टिकल्स क्या है, कम डेंसर है ना, किसके मुकाबले कम डेंसर है, ग्लास और डायमंड के मुकाबले, है ना,
तो क्या होगा, इसका डिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना बेंड हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, बेंड कम हो रहा है हमारा, कौन, रे ऑफ लाइट। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेंड क्या हो रहा है, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, तीनों में टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि यह रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर और रेयरर टू डेंसर जा रहा है। ठीक है, एक चीज आप देखिए, क्या हमको यहां दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो, वैसे वैसे यहां पे डेंसिटी ऑफ मीडियम भी बढ़ रही है ना। क्यों? देखिए यहां डेंसिटी ऑफ मीडियम कितना कम था, यहां थोड़ा ज्यादा हुआ, यहां थोड़ा ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ मीडियम, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि भैया अगर हम ज्यादा है ना, तो आंख मून के बोल दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो आंख बंद करके बोल दो कि मीडियम का जो डेंसिटी होगा ना सर, वो भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या बता रहा है कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट भी उतना ज्यादा हो रहा है। देखिए बेंड ऑफ लाइट कम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, बेंडिंग ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया, ऐसे जा रहा था, लाइट और ज्यादा झुक गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं, या डिग्री ऑफ, सॉरी, हाँ, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं। सिंपल टाइट लिख दिया मैंने तो लाइट को, LIG। हाँ ठीक है, लाइट कैसा है। हाँ, अब क्या देखेंगे यहां पे, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है। कैसे घट रहा है? सबसे पहले याद कीजिए, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा तेज कहां होता है, मतलब स्पीड का, लाइट का स्पीड जो होता है वो सबसे तेज कहां पे होता है, फास्टेस्ट लाइट कहां ट्रेवल करता है, स्पेस में, वैक्यूम में, जहां पे पार्टिकल ना हो, जहां ट्रैफिक ना हो। अच्छा, गाड़ी जो आप लोग चलाते हैं तो सबसे तेज गाड़ी कहां चलता है, जहां पे ट्रैफिक नहीं होता है, जहां पे हमको रुकना ना पड़े, है ना। तो लाइट को कहां रुकना नहीं पड़ता है, वैसे लाइट रुकता नहीं है लेकिन रुकना, वैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि लाइट को कहां रुकना नहीं पड़ता, जहां ट्रैफिक कम हो, है ना। ट्रैफिक कहां कम होगा, मान लीजिए वैक्यूम है, या स्पेस, फ्री स्पेस में लाइट बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है अच्छे से। या फिर अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो यहां पे क्या है हमारे पास, एयर, यहां पे सबसे तेज करेगा, एयर के बाद यहां वाटर में तेज करेगा, वाटर के बाद ना, एयर में सबसे तेज, वाटर में उससे कम, ग्लास में उससे कम, डायमंड में सबसे कम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। देखिए यहां पे ट्रैफिक कम था तो लाइट पास हो रहा था, यहां ट्रैफिक और ज्यादा हुआ, लाइट धीरे हो गया, यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो लाइट बहुत धीरे हो गया। तो अब ये तो हमको यहां से क्या पता लगा, इसमें तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी ऑफ मीडियम ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग ऑफ, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा सर। तो हम लोगों ने जान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या है, वो सारे आप लोग लिख के याद कर लिए, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेके, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को यहां तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दे, और थैंक यू।